स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। आज शाम को तुम डैड के घर पे आओगे और 7 बजे मैं तुम्हारा वहां पर वेट करूंगी। उन्हें शादी के लिए मनाओगे, ओके? हेलो सुली, लिसन, यार हमारे कॉलेज में एक होम साइंस की टीचर थी, शी वाज डैम क्यूट यार। हाँ अच्छा, तू उनके बारे में चेक कर, मैं इंटरनेट पे चेक करती हूँ। सी या, बाय। होम साइंस, तूने बाबूजी के कुर्ते को प्रेस कर दिया ना? हाँ, कब का? कहाँ जा रही है नाना जी? वो चंद्रू भाई साहब के साथ जा रहे हैं ना, उनके बेटे के लिए लड़की देखने। लड़की? कौन है लड़की? दिखने में कैसी है? क्वालिफिकेशन क्या है उसकी? अरे सुहाना, तुम क्यों भाई इतनी एक्साइटेड हो रही हो? अरे क्योंकि मैं भी तो लड़की ढूंढ रही हूँ ना। क्या? या एज नो बा, कास्ट नो बा, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट और साथ में सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि डैड तो हमेशा मजाक के मूड में रहते हैं। ससुराल गेंदा फूल, ओए होए होए होए, या सुली सुरी, दिल्ली की बेस्ट मैरिजेबल कैंडिडेट ढूंढना। अरे लड़की सबसे अच्छी होनी चाहिए और वो सुहाना की मॉम बनने वाली है, शी हैज टू बी द बेस्ट। या सुहाना, कि तुम क्या बात कर रही हो? सुन रहा ना, तो मैं सुली सुली से कह रही हूँ कि डैड के लिए लड़की ढूंढे। सुहाना, तुम पागल हो गई हो? लिसन निशांत, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अच्छा सुली, अरे तुझे याद है टिया की बर्थडे पार्टी में हमें उसकी आंटी मिली थी? चेक करना उनकी शादी हुई है कि नहीं। अगर उनकी शादी नहीं हुई है देन शी नॉट बैड। सुहाना, तुम अपना फोन बंद करोगी प्लीज? निशांत, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम देख रहे हो ना मैं कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ। सुली, वैसे तेरी आंटी भी ठीक ठीक है? नहीं, पर उन्हें हमेशा कोल्ड रहता है। I hate it when she sneezes. Yeah. सुहाना, अब मैं ऑफिस जाऊं? सुनी, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। तू टिया की आंटी के बारे में पता करके रखना, ओके? या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अरे ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? मुझे सब पता है मैं क्या कह रही हूँ ईशान। मैंने तुमसे कल कहा था ना मुझे डैड की शादी करवानी है। हे भगवान। ओके सुहाना, प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। आई मीन ये ठीक नहीं है। तुम्हारे डैड को जब ये पता चलेगा तो तुम क्यों नहीं समझती हो सुहाना? आई मीन ऐसी लड़की ढूंढने से फायदा ही क्या है? बिकॉज मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे डैड नहीं मानेंगे। वो मानेंगे, जरूर मानेंगे, और उन्हें मनाओगे तुम। हाँ? मैं? नो, मैं तुम्हारे इस पागलपन में शामिल नहीं होने वाला हूँ। मैं नहीं मनाऊंगा तुम्हारे डैड को। क्यों? तुम मेरे हस्बैंड हो ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कुछ नहीं सुनने वाली हूँ। तुम डैड को शादी के लिए मनाओगे, दैट इज इट। बीच में मत बोलना। आज शाम को तुम डैड के घर पे आओगे और 7 बजे मैं तुम्हारा वहां पर वेट करूंगी। उन्हें शादी के लिए मनाओगे, ओके? हेलो सुली, लिसन, यार हमारे कॉलेज में एक होम साइंस की टीचर थी, शी वाज डैम क्यूट यार। हाँ अच्छा, तू उनके बारे में चेक कर, मैं इंटरनेट पे चेक करती हूँ। सी या, बाय। होम साइंस, दादी जी आप वहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हैं? इधर आइए, देखिए दीदी ने कुछ फोटोज ईमेल की हैं डैड के रिश्ते के लिए। बैठी बैठी देखिए इस मशीन में विवाह जैसा पवित्र बंधन इस मशीन द्वारा जोड़ा जाएगा। कलयुग है कलयुग, रहमानित संसार में भांति भांति के लोग। मगर दादी। नहीं बेटा, विवाह तो ईश्वर का वरदान है, हमें इस मशीन के जाल में नहीं फंसना चाहिए। मैंने बहुत कुछ सुना है इसके बारे में, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं इसमें और अपने बारे में ना बड़ा चढ़ा के लिख देते हैं। विवाह तो
आमने सामने बैठ के लड़की को परख के करना होता है। हाँ दादी जी, आमने सामने बैठ कर भी बात कर लेंगे, लेकिन वो बाद में, पहले फोटो देख लीजिए, फिर जो पसंद आएगी उससे मिल भी लेंगे। ये देखिए, ये कितनी खूबसूरत है ना, जॉब भी करती है और अनमैरिड है। ये इसके बाल देखो कितने छोटे कटे हुए हैं। अरे शादी के बाद जूड़ा कैसे बनाएगी, और मेरा कमल किशोर इसके जूड़े में मोगरे का गजरा कैसे लगाएगा। नौकरी करने वाली तो बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे तो अपने कमल किशोर के लिए ऐसी गृहिणी चाहिए जो उसका घर संभाले। ये ओके। हाँ ये देखिए दादी जी, साउथ इंडियन है पर अच्छी खासी हिंदी बोल लेती है। डैड के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रही है ये, और दीदी को भी ये पसंद है। इन्हें टेनिस खेलने का भी शौक है। मैंने कहा था ना, ये लड़की सुहाना इस घर को बर्बाद करके रखेगी, इसीलिए मैं उसे इस कार्य से दूर रखना चाहती थी। बंद करना इस मशीन को, बंद करना। ये देखो, ये कुछ तस्वीरें भेजी है पंडित जी ने, सबकी कुंडली भी मिलाई है। ये देख, ये तो कितनी गुस्से में लग रही है। नो, कैंसिल। अच्छा ये कितनी मरी सी लग रही है। डैड के सामने खड़ी रहेंगी तो उनकी मेड लगेंगी। क्या बात कर रही है बेटा, ये तो सुबह शाम पूजा पाठ करती है। हाँ, और इसकी कुंडली ना कमल किशोर की कुंडली से अच्छी तरह मिलती है। प्लीज दादी जी, कुंडली मिलने से कुछ नहीं होता है। मुझे ना इन सब में से कोई पसंद नहीं है, एंड आई एम श्योर दीदी को भी कोई पसंद नहीं आने वाली है। अच्छा ये वाली देखना, इसे तो पूरी गीता याद है मुंह जबानी। अच्छा ठीक है, मैंने ना कुछ और तस्वीरें मंगवाई है, मेरे देवर का बेटा लेके आएगा। कब? दीदी भी आज शाम को आ रही है डैड से बात करने, अगर उससे पहले आ जाएगा तो दीदी भी फोटोज देख लेंगी ना। ठीक है, तू ना ये 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 नंबर मिला मिला जल्दी मिला, मैं उससे कह दूंगी कि जल्दी आ जाए, आज शाम को ही फैसला हो जाएगा लड़की का। क्यों ना हम आज मेथी की सब्जी में बाऊजी के पौधे वाली मिर्ची डाले। नहीं नहीं नहीं, उनकी संतान है। बड़ी माँ। हाँ बेटा। अरे ये क्या है? ये क्या है? ये साग है, मेथी का साग। मेथी? अब मेथी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये तो हमें नहीं पता भाई। वैसे इस बार बड़े दिनों बाद हमारे घर में मेथी का साग बन रहा है ना। तुम्हारे छोटे मामा ना खास दीपक लेकर आए हैं साग, उसे मेथी बहुत पसंद है ना। मतलब छोटे मामा ने दीपक से उसकी पसंद पूछी? वाह। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? राधा बुआ, मैं तो ये सोच के हंस रही हूँ कि पापा ने दीपक से पूछा कैसे होगा। ए भाई, साग लेने जा रहा हूँ, आता है कि नहीं, पसंद है ना तुझे, है खा लेना। पर पूरा दीपक ने डर के मारे हाँ बोल दिया होगा। सुहाना, मैं देख रही हूँ आजकल तू अपने ससुर की बहुत अच्छी नकल उतारने लगी है। पर ये मत भूलना कि तेरा ससुर मेरा देवर है। पर बड़ी भाभी, सुहाना ने जैसे कहा ना बिल्कुल इसी तरह हुआ था, छोटे भैया ने इसी तरह पूछा था। दीपक की शक्ल देखने वाली हुई होगी। अच्छा हंसो हंसो, बहुत हंसो तुम लोग, शाम को आएंगे ना लोग, सबकी शिकायत करूंगी मैं। हाँ बुरा लग गया। और सुहाना, सबसे ज्यादा तुम्हारी। अच्छा राधा, तूने बाबूजी के कुर्ते को प्रेस कर दिया ना। हाँ कब का। हाँ। कहाँ जा रही है नाना जी? वो चंद्रू भाई साहब के साथ जा रहे हैं ना, उनके बेटे के लिए लड़की देखने। लड़की? कौन है लड़की, दिखने में कैसी है, क्वालिफिकेशन क्या है उसकी? अरे सुहाना, तुम क्यों भाई इतनी एक्साइटेड हो रही हो? अरे क्योंकि मैं भी तो लड़की ढूंढ रही हूँ ना। क्या? या
एज नो बा, कास्ट नो बा, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट और साथ में सेंस ऑफ ह्यूमर में भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि डैड तो हमेशा मजाक के मूड में रहते हैं। एक मिनट सुहाना, हम लोग कुछ समझे नहीं, किसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं तुम्हारे डैड? बड़ी माँ। हाँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम ये बात घर में किसी को मत बताना, प्लीज सुहाना, प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है, ओके, प्लीज। बड़ी माँ, एक्चुअली राधा, वो दीपक का है, अपने कॉलेज क्या है? अब दीपक को छोड़ो ना, ये बताओ कि किसके लिए लड़की चाहिए। हाँ, वो एक सरप्राइज है, मैं बाद में बताऊंगी। बड़ी माँ, मैं डैड के पास जा रही हूँ, मैं शाम तक घर आ जाऊंगी, ओके, बाय। ठीक है, बाय। अरे क्या बोला ना, नहीं बताना चाहती है, अभी सरप्राइज है। क्या पता, समधी जी इस उम्र में शादी करने का सोच रही हूँ शायद। हाँ? क्या पता? कुछ भी कहती रहती है ये राधा। ससुराल गेंदा फूल, ओए होए होए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।